Subscribe to Shemaroo and click the bell icon to never miss an update. राम झूठ ना बुलाए छोटे सरदार, अगर उस लौंडिया सावी के साथ हम तुम्हारा उरिस्ता नहीं जोड़ दिया जो कल्ले के साथ उस तरह का होता है, तो हमारा नाम भी नथुलाल नहीं। तो क्या कर सकता है बे? कौन हम? अरे छोटे सरदार, तुम हमको भी पहचाना नहीं है। अरे हम बहुत काम की चीज हैं, शादी ब्याह कराना तो हमारा खानदानी पैसा है। ये उस तरह तो हाथ में इसलिए थाम लिया है कि हजामत बनाते वक्त हमरे होंठ सामने वाले के कान के करीब पहुंच जाते हैं और किसी को कानो कान खबर नहीं होती है कि किसका टांका किसके साथ भिड़ाया है। मानते हो कि नहीं? अब देखो, जैसे तुम्हारे बाप, तुम्हारे बाप तुम्हारी अम्मा के लायक थोड़े ही थे? नहीं, लायक तो थे, मगर कहा है कि तुम्हारे जो नाना है ना, वो उनको बहुत नालायक समझते थे, नालायक कहते थे। तो कहा है कि एक दिन हम उनकी दाढ़ी बनाते समय ऐसा उस तरह घुमाया कि उनकी तबीयत साफ हो गई, खुश हो गए और कहने लगे, मांग न थू, क्या मांगता है? और हम मौज में आके तुरी अम्मा का हाथ मांग बैठे। क्या बकता है बे? नहीं, अपने लिए नहीं, तुम्हारे बाप के लिए। हाँ। राम झूठ ना बुलाए, अगर हम ना होते तो तुम भी पैदा ना होते छोटे सरदार। अबे क्या छोटे सरदार लगा रखी है हरामजादे? तुझे मालूम नहीं है, जब से वो बुड्ढा जेल गया है, हम यहाँ के सरदार हैं। बोतल्ला ला बोतल। तो ये क्या कर रहा है? नहीं सरदार, ये चप्पल हम आपके लिए नहीं, अपने आप के लिए निकाला है। ये चप्पल तुम हमारे सर पे कस कस के मारो। हम इतना भी भूल गए कि जब से वो हराम का ढक्कन बुढ़ा जेल में गवा है, तब से हमारे अन्नदाता, हमारे कर्मदाता, हमारे जन्मदाता, जितने दाता हैं वो तो आप हैं। तो ले ये चप्पल भनभना के हमारे टकला पे मारो। ले पे। मगर वो सावी वाली बात नहीं भूलना। कौन सी सावी? आपको कोई बुला रहा है? बाबू छोड़ो। बाबू 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 बाबू। अरे भूतनी के कहा करता है, जल्दबाजी में अपने बाप का पता भूल गया कहा है? अरे बापू, हमने ऐसी खबर लाए हैं कि आप भी अपने बाप का पता भूल जाएंगे। आए? सरदार आ गए हैं। सरदार? राम झूठ न बुलाए, हम तो पहले ही जानते थे कि हमारा सरदार एक दिन वापिस आएगा। बिटवा, हम कमरे सरदार के पास ले चल, पकड़ा अपनी बोतल, बड़े आए थे सरदार बनने वाले। वैजी, क्या घाव बहुत गहरा है? सरदार का शरीर लोहे का है, इसलिए बच गए, और कोई होता अब तक खत्म हो गया होता। आग लगी ऐसी पाप की फसल को जिसे सींचने के लिए खून देना पड़ता है, जिसमें हल की जगह बंदूकें चलती है, इसी खेती ने मेरा ससुराल उजाड़ दिया। आज अगर भैया को कुछ हो जाता तो मेरा मायका भी खत्म हो जाता। जय हो, जय हो, मेरे सरदार की जय हो। राम झूठ ना बुलाए मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे आपकी वापसी की प्रार्थना कर रहा था। अगर आप एक दिन और नहीं आते ना, तो मैं आपकी ये जूती लेके चौपाल पर रख देता, जिसे भगवान राम की खड़ाओ भीम जी रखे रहे। अरे अरे, ये क्या कह रहे हो? रामायण में महाभारत मिला रहे हो? अरे खड़ो, भरत जी ने रखी थी, भीम जी ने नहीं। क्यों जी? तू कौन है जो आम के पेड़ से कद्दू की तरह भड़ से टपक पड़ा है? अरे हम किसना है किसना? आए आए लागी सरदार। आओ सरदार, छोटे आओ। सरदार, उस दिन पुलिस ने ऐसा जाल बिछाया कि कुछ समझ में ही नहीं आया, वरना हमारे होते हुए वो तुम्हें ले जाते। मैं तो सरदार थाने पे हमला करने ही वाला। राम झूठ ना बुलाए, छोटे सरदार तो बंदूक में गोलियां भी भर चुके थे, जाने ही वाले थे। कहा बुधू? हाँ जाने वाले थे। राम राम सरदार, हम त्योहार लिए अपनी गैया का ताजा दूध लाए हैं। अरे अब सरदार कोई बच्चा थोड़ी जो दूध पियेंगे। अच्छा अच्छा बेटी जी, जा दूध रखवा ले। और सुन, कृष्णा को कुछ खिला देना, भूखा होगा। सरदार सरदार, हम बाद में खा लेंगे। अरे जा जाना, खा ले, शर्म मत कर। जाओ भाई, तुम लोग भी जाओ, सब आराम से। सरदार, हमका भी भूख लगी है। भूख या प्यास? प्यास की भूख लगी है। ठीक है, जा। जय राम जी की। ये कौन है सरदार? कृष्णा, ये ना होता तो आज शायद मैं जिंदा वापस नहीं आता। कहीं ऐसा तो नहीं सरदार, तुम्हें जिंदा रख के
हम सबको मारने आए हो। भागो मत, अब तू के यहाँ इसके रहने का इंतजाम करो, जाओ। ए दूध वाली, का करत है ये? बहुत पी ली है का? हाँ, तू सहारा देगी इसीलिए तो पीते हैं। तू रात को आई रही है ना? हम आएंगे, पर वो तो हर छोरा है ना। अरे उसकी ऐसी की तैसी, उसको मंदर कमरा में सुला देंगे, खुद बाहर सो जाएंगे, फिर तो आएगी ना। आऊंगी। आधी जिंदगी दीवार चाटने में गुजर गई, दीवार में गोबर लगा था शायद। तुहार बापू हमार अम्मी, कुछ गड़बड़ है। मुझे मालूम है, तू रात को आना, कुछ तरकीब सोचते हैं। रात को? लेकिन तेरे ये बापू? अरे मैं बाहर सो रहा हूँ, आंगन में। अच्छा ठीक है, मैं जाऊँ। हर जगह नाड़ा नहीं खींचते, रात को रखत। अबे ओ नथू, अरे कहाँ है छोटे सरदार? सरदार का हुक्म है, ये मेहमान आज से तेरे घर रहेगा। हमरे घर? नहीं नहीं, हमने यहाँ तो खाली दो ही खटिया है, ये तीसरा चकोटी इसको कहाँ सुलाएंगे हम? तो हम यहाँ सो जाते हैं, हमें तो खुले में सोने की आदत है। हाँ, बराबर बोलता है। हम साथे, तो खुद जमीन पे सो जाना। हाँ? हम जमीन पे सो जाए? नहीं हुआ तो हम बुद्धू को सुला ही देंगे। आओ जबरदस्ती के मेहमान, तोरी खटिया खड़ी करते हैं। चलो। कुछ पैसा लाए कि नहीं? हाँ, हाँ, चवनी है हमारे पास। अच्छा, बहुत रईस आदमी मालूम पड़ते हो, बैंक में डाका डाला है। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? बापू आज हम बाहर सोएंगे। बाहर? नहीं नहीं, तू नहीं बेटा, तू एक काम कर, तू वहाँ जाके अंदर जाके सो जा। ये कैसे हो सकता बापू, बेटे के होते हुए आप कष्ट उठाएंगे? अरे नहीं, नहीं, तू बेटा बाप को मार गोली, हुआ जाके अंदर जाके सो जा, जा। नहीं, हम बाहर सोएंगे। अरे एक बार कह दिए तो सुनता का ही नहीं है। अरे हम तेरा काम तोड़ देंगे। ठहरिए, हम फैसला किए देते हैं, आप दोनों बाप बेटे जहाँ सोते वहाँ सो जाइए, हम यहाँ सो जाते हैं, ठीक है? नहीं सुनो भाई, यहाँ रात को बहुत बड़ा बड़ा ओला गिरता है। हमें खेत में सोने की आदत है। अरे तो ये खेत नहीं है मेरे भैया। माँ भी हमें बहुत डांटती थी कि खेत में मत सो, मगर हम खेत में ही सोते। बाप की भी, अपने बाप की भी तो सुनो। अरे हमारी बात सुनो भैया, हमारी भी सुनो। जय राम जी, सुबह भेंट होगी, हम सो रहे हैं। भेंट? अब कहाँ का भेंट हो गए, अब इतना लेट हो गया तो भेंट कहाँ होगा? पहला सब कबाड़ा कर दिया, अब कहता कहाँ भेंट होगा, चॉकलेट होगा, आमलेट होगा? भूतनी का हमारी गुलाबी आती होगी, कहीं वो हमको समझ के इसके चादर में घुस गई तो? नहीं, कहाँ जा रहे हैं बाबू? हम जरा पानी पीने जा रहे हैं। ये कौन सा पानी है जो पीने जा रहा है? हमारी मिट्टी का क्या होगा? मिट्टी आती होगी, हम जाके उसको आने से रोकते हैं। ये कहा हो गया रे बाबा? हजाम जब अपनी दाढ़ी अपने हाथ से बनाता है तो ऐसे लगता है जैसे मुर्दा अपना कफन खुद ही सी रहा है। आए गुलाबो, खिड़की बंद करना। अरे हे भगवान, तू कितना दयालु है, राम झूठ ना बुलाए, हमरा पूरा शरीर तो को याद कर रहा था और तू आ गई। आहा, तू गुलाबो नहीं है, हमरा गुलाब है। आहा, का खुशबू है, ताजा मक्खन और सड़ा हुआ दूध, ऐसी खुशबू तो असली गुलाब में भी नहीं होती है मेरी गुलाबो। फिर वही सारी जिंदगी यही चटवाती रहेगी का? अरे रहने दे तो हर चाटना, हम पहले ही बहुत दुखी हैं। अरे काहे दुखी है, कौन दुखी किया? नाम बताओ साले का, उल्टे उस तरह से हजामत नहीं बना दिया तो हमारा नाम भी नथु नहीं। हाँ अरे छोड़ छोड़, तू तो कुछ नहीं कर सकेगा उका, एक तुहार बेटा है और दूसरी हमारी बिटिया। क्या किया उन दोनों ने, कहीं शादी तो नहीं कर ली? अरे नहीं किया तो अब कर लेंगे। हाँ। आज सुबह से भी दोनों गायब है। हाँ। देख नथु, तू तेरे छोरे को समझाए दे, नहीं तो हम किसी दिन भैंस के पांव के तले लेट कर अपने आप को खत्म कर देंगे। हाँ गुलाबो, उन दोनों को रोकने का एक ही तरीका रह गया है। का? ई तरीका। अरे 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 का करे तो, अरे छोड़ो ना जी, हमारी चोली नहीं है ना। अरे चोली छोड़, उन दोनों को रोकने का एक ही तरीका, हम दोनों सुहाग रात मना लेते हैं। तो दिन है ना, तो चलो सुहाग दिन मना लेते हैं। सहनाई ढोल, अब तो दोनों ही बज रहे रे। पर कैसे बज? अरे चंपा चल चल।
चल। अरे चले चल ना बाबू। शर्म नहीं आती है हमको? बाबू बोलती है। अरे हम तो का थोड़ी बापू कहेंगे रे। अच्छा बुला ना बाबू। बाबू बाबू ये किसकी आवाज है? ये तो तुहार बिड्डुआ है रे। अरे सत्यानाश ये कमबख्त इस समय काहे को मरे के चला है? उठ, उठ। अरे हाँ उठता हूँ, डांट काहे के रही। बाबू आए कहीं मर तो नहीं गया? अच्छा है मर जाए ना। हरामी सुअर गधे की औलाद अपने बाप के ऊपर बैठ गया है। का हुआ? अरे अपनी आँख से देख का हो रहा है। बाबू तू छुप जा, छुप छुप। अरे तू चल तो सही। वहाँ वहाँ कोना में कहीं छुप। मुझे तो कुछ नहीं आ रहा है। ये पेटी में घुस जा। अरे यहीं घुस जा। नहीं नहीं जगह नहीं, तू वहाँ नहीं घुस सकत। आधे तू जल्दी चल नहीं तो फेरे नहीं होंगे, हजामत हो जाएगी। आ जाओ बाबू। कहाँ है? कुछ नहीं, क्या कहूँ? बोलो ना बाबू। हमने फैसला कर लिया है, हम लोग शादी कर रहे हैं, आप कन्यादान कर दो। गधे की औलाद कन्यादान लड़की का बाप करता है, लड़के का बाप नहीं। तो आप बेटा दान कर दो, कुछ भी कर दो, शादी कर दो। हाँ हम शादी करेंगे। ये शादी नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि मेरी माँ और तुम शादी करना चाहते हो, हम तुम्हारी शादी भी नहीं होने देंगे। हाँ। नहीं नहीं ये बात नहीं है, दरअसल क्या है हम आज बहुत दुखी है। क्या हो बापू, रो क्यों रहे हो? कितना नालायक बेटा है, आज इसकी माँ का श्राद्ध का दिन है और ये शादी करना चाहता है। माँ का श्राद्ध तो जाड़ों में होता है, अब की पतलों में हो रहा है। ये पतला का है? ये कौन सा महीना है पतला? ये नया महीना है। अबे तू अंग्रेजी हिसाब मत लगाना, देसी हिसाब में बात कर। तेरी माँ कब मरी थी मालूम है तुमको? तुम झूठ बोल रहे हो, तुम हम दोनों की शादी रुकवाना चाहते हो। चल बुद्धू हम मंदिर जाके फेरे ले लेते। चल खबरदार, हम तो का जान से मार डालेंगे। ये तो माँ की नहीं नहीं इसकी माँ की आवाज है, ऊपर से आ रही है। ठहरो अभी आ रहा है। नहीं नहीं ये मेरी माँ की आवाज है। अरे नहीं बाबा इसकी माँ की आवाज है, बेटे को नालायक पाके उसकी आत्मा ऊपर फड़फड़ा रही है मालूम। बापू माँ की आत्मा इससे पहले तो कभी बोली नहीं? माँ की आत्मा खाली श्राद्ध वाले दिन बोलती है मालूम नहीं है? देखो बापू हम कह दे रहे हैं, अगर आप झूठ कहकर हमारी शादी रुकवाना चाहते हैं तो राम झूठ न बोलो, अच्छा नहीं होगा। नहीं बेटा मैं तेरी साड़ी को हाथ में लगाइए, इसमें इसके दूध के पैसे लगे हुए हैं। तुम्हारे दूध के पैसे? हाँ और ये जोड़ा भी मैंने उसी पैसे से लिया है और हम शादी करेंगे। हाँ, 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 बेटा जरूर करो जरूर करो। मैं कहा है शादी 7 दिन के बाद करोगे तो बहुत अच्छा होगा, तुम्हारी माँ की आत्मा को शांति मिल जाएगी। सच कह रहे हो बापू? तुम्हारी माँ की कसम। इधर नहीं इधर नहीं, बाहर बाहर बाहर, जल्दी चल जल्दी। अकल पे झाड़ू फिरे, इस तरह तो हम दोनों समधी हो जाएंगे। अरे नहीं उससे पहले वो दोनों भाई बहन हो जाएंगे। ये का मतलब है हम लोग शादी पहले कर लेंगे का? दिंगा 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 दिंगा। एक आए तो शादी करने की हजामत बनाने आई। चलना तू हो जा शुरू। सरदार अब का इतना खराब जमाना आ गया है कि गधा घोड़े पे बैठेगा। क्या मतलब? गधा आ रहा है। राम राम। राम राम सरदार। राम राम आओ कृष्णा। राम राम आवा, 100 साल नहीं मरोगे, अब ही नाम लियो भड़ाक से टपक पड़े, है ना सरदार? आज हम आपसे कुछ मांगने आए हैं सरदार। मुझे मालूम है क्या मांगने आए हो। आपको कैसे मालूम? सावी ने बताया। सावी ने बताया? जब सावी ने खुद ही बता दिया है तो आप भी बता दीजिए क्या फैसला है। बड़े आए फैसला पूछने वाले। राम झूठ ना बुलाए, मांगे पे तो सरदार अपनी जान तक दे सकते हैं, मगर पहले मांगने वाले को अपनी झोली देख लेना चाहिए। हाँ झोली तो बहुत छोटी है ना थुका का, मगर दिल बहुत बड़ा है। हम वचन देते हैं सरदार आपको कभी कोई शिकायत नहीं होगी। तू कोई दूसरी पसंद कर ले। दूसरी? अरे तू जिस पे हाथ रख देगा तुझे दिलवा दूंगा। नहीं नहीं सरदार, अब हम आपको कैसे बताएं, हम उसके बिना एक पल भी जिंदा नहीं रह सकते। हम उससे सच्चा प्यार करने लगे हैं सरदार। ठीक है मैं सावी को समझा दूंगा, लेकिन एक बात है, उसका बच्चा तो मैं नहीं दूंगा, तो मैं पालूंगा। बच्चा? आपको मालूम है? हाँ हमारे सरदार को सब मालूम है कि किसका बच्चा है, जायज है नाजायज है, सब मालूम है सरदार को। अरे चुप चुप, साबी को आवाज लगा। बापू मैं घोड़ी खुद ही ले आई। बापू घोड़ी? हाँ
जा ले ले, ऐसी घोड़ी फिर नहीं मिलेगी। तो सविन आपको घोड़ी कहा था? नहीं तो क्या, दुल्हन कहा था। लेकिन देख, बड़े प्यार से रखना इस घोड़ी को। आप फिकर मत कीजिए सरदार, बहुत प्यार से रखेंगे इस घोड़ी को। इस घोड़ी को नथुका का। अरे हम तो समझे थे यहाँ बुढ़िया बिस्तरा बन रहा होगा। ये खाली खाली चीज क्या है? इसमें तो गुड़ लगा है। चख लिया का? पापा मुझे भी गुड़ की डलिया दो ना। हट बे, ये का गुड़ है का? ये दवा है जो शहर के अस्पताल में जाएगी। दवा? ये तो धर्म कर्म का काम हो गया। पंडित रामगोपाल जी ने कहा था कि अच्छे काम में लगाया हुआ एक क्षण अगले जन्म में एक वर्ष बन के मिलता है। पाप में लगाया हुआ एक क्षण भी एक बरस बन के मिलता है जेल की कोठड़िया में। जेल? जेल से हमें याद आया, कल जब हम शहर जाएंगे ना तो थाने से वो पोस्टर ले आएंगे जिसमें हमारी फोटो छपी है। सरदार हरे रे करे नथू खरे को नहीं, अपने खास आदमी को शहर भेजता है। फिर तो हम जरूर जाएंगे क्योंकि हम सरदार के खास आदमी हैं। राम झूठ ना बुलाए, तुम बहुत झूठ बोल रहे हो। हम झूठ बोल रहे हैं और क्या? सरदार सरदार सरदार, हम आपके खास आदमी हैं ना? हाँ हो। सुन लिया नथू, अब हम शहर जा रहे हैं। अरे रामू के बाबू! अरे जाओ। राम राम सरदार। अरे रे रे रे, तुम्हें इस हाल में देख के कितना दुख हो रहा है सरदार। एक दिन वो था जब सारा गांव तुम्हारे पैर छूता था। राज, तुम्हारे तो पैर ही बेकार है बेचारा सरदार। अरे भगवान का शुक्र है जान तो बच गई। ये हाथ पैर तो इसलिए बेकार हो गए कि लकवा मार दिया है। और अब ये लकवा सारे गांव को मार डालेगा। इससे तो अच्छा होता ये बुड्ढा मर ही जाता। राम ज्यादा कुत्ता। कुत्ता भी हूँ, राम ज्यादा भी हूँ, और भी बहुत कुछ हूँ, मगर तेरे उस प्रेमी की तरह गद्दार नहीं हूँ। किंजा चाबी को छोड़ दे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा बुरा जो भी होगा तो जपा इसकी मर्जी से नहीं मंगल से, मेरे हुक्म से होगा सरदार, जिंदा के हुक्म से। ये कभी नहीं हो सकता। जब तक सरदार जिंदा है कोई दूसरा सरदार नहीं बन सकता। बात सब कान खोल कर सुन लो, इस गांव में वही रहेगा जो जिंदा को सरदार मानेगा। जिंदा मैं तुझे सरदार नहीं मानूंगा। क्या कहा तूने? मैं तुझे सरदार नहीं मानूंगा। तब फिर तू जिंदा भी नहीं रहेगा। और कोई है इस गांव में जो मुझे सरदार नहीं मानता? है कोई? और प्यारे कामिले, तूने मेरे गोपाल को मार दिया। गाली देने की क्या जरूरत है? इस कमीने ने मुझे सरदार जो नहीं माना। बेशरम, तो के इसी दिन के लिए जन्म दिया था क्या तुम्हारे माने? मेरी माँ तो ऊपर है। जा, ऊपर जाके पूछ ले उससे। चिंदा क्या कर रहे हो सरदार? और तू बोल चिंदा सरदार की जय। हम तो बहुत पहले से बोल रहे हैं और हमका सारा गांव बोलेगा। ये देखो, ये देखो, बोलो जिंदा सरदार की जय। बोलो ना जय सरदार की जय। जिंदा सरदार जय। कमीने, अब इस बेचारी का क्या होगा? अरे हाँ, इसका इसका इलाज भी मेरे पास है। जिंदा, जिंदा।
राम झूठ ना बुलाए सरदार, इस बार तुम हमको भी शहर लेके चलो, तुम खुश हो जाओगे। शहर तू जाएगा और खुश हम हो जाएंगे। ये दो भारी खुशी है सरदार, काय हुआ तो दो नई नई चीजें लेकर आएंगे। एक उस्तरा लाएंगे तोरी गर्दन काटने के लिए, नहीं ये गर्दन के ऊपर जो दाढ़ी है वो काटने के लिए, और दूसरी छोकरिया लेकर आएंगे। काय जब से तुम सरदार बने हो कोई जशन वसन नहीं हुआ, मजा नहीं आ रही है। कोड़ा नाच तो हर दिन होता ही। अरे क्या मुंह की डिबे में उस्तरे जैसी जबान नहीं लाओ, नहीं तो गर्दन कट जाएगी। हाँ है ना सरदार, तो हम भी चले शहर। मधुरिया लाने के लिए शहर जाने की क्या जरूरत है, अपने गांव में भी तो है एक। वो सावी क्या है ये न, तू शहर से मधुरिया लाने को कह रहा है, फिर तेरे धंधे का क्या होगा? और सारा मैं कतार से तो बुरा नहीं हूँ, जिसकी औलाद को 24 घंटे सीने से लगाए घूमती रहती हो। कहता हूँ मेरे नाम की चूड़ियाँ पहन ले, वरना विधवा की चूड़ियाँ की तरह फोड़ डालूंगा। किस सुअर के बच्चे ने मारा है, शहर नहीं जाने का माल। हाँ शहर, शहर जाने की जल्दी नहीं होती तो माँ बेटा दोनों को देख ले, हम देख लेंगे। तुम पकड़ के रखेंगे, तुम जाओ, तुम बांध के रख दो उन सालों को। शहर अब कौन बचाएगा इस गांव को? नत्थू जल्दी उठ, जल्दी उठ। कहाँ है? तू इधर है। अरे तू ही यहाँ सो रहा है, हुआ तेरा वो लड़का और हमारी बिटिया मंडप सजाए के शादी करने जा रहे हैं। हाँ। नहीं हम सालों को जान से मार डालेंगे, ये शादी कभी नहीं हो सकती है। हे कन्या वर के गले में हार पहनाओ। वर जी कन्या के गले में हार पहनाओ। तुम्हारी तो नहीं, ये नहीं हो सकता, ये शादी नहीं हो सकती, शादी हमारी होगी, हमारी होगी, हमारी होगी, हमारी होगी, हमारी होगी, हमारी होगी। अबे चुप कर, तलवार दूसरे से तेरी जिंदगी की हजामत बना लूंगा। बुद्धू खोल दे मुझे, नहीं तो तुझे मैं कच्चा चबा जाऊंगा। अरे जावे राक्षस, कच्चा चबा जाएगा, ये बंदूक देखिए। तुझे कच्ची गोली खिलाऊंगा। क्या सोचा जिंदा, अपने बॉस का नाम बताएगा? अगर ये गांव वाले गद्दारी नहीं करते तब मैं तुझे तेरा नाम भी भुला देता। याद कराने के और भी तरीके हैं, पुलिस वाला था मैं, तू जानता है ना। अतो खोल दे इसे। बुधवा खोल दे, जल्दी से बाहर भाग। अरे नहीं बापू, ये साला काटता है। अरे मार खाया हुआ दांत हिले में डरता काहे? अरे नहीं नहीं, ये चबाएगा। चब खोला, मार खाए हुए सरदार जब उस तरह गर्दन पे रखा हो तो गर्दन ज्यादा नहीं हिलाना चाहिए, वरना टेंटवा कट जाएगा। बता का ही नहीं देते। थाली के बैंगन। थाली के बैंगन? अरे जो आदमी बखत की थाली के साथ पोजीशन बदलता है वो बैंगन नहीं कहलाता है बल्कि अकलमंद कहलाता है। बता, बता दे। कौन है वो लोग, बता दे। नहीं। बता दे जिंदा। एक बार फिर कहता हूं जिंदा, बता दे कौन है वो लोग जिनको मार जाता। ये राज सिर्फ दो लोग जानते हैं, मैं बताऊंगा नहीं, और अपने ससुर से तुम पूछ नहीं सकते। नथु बांध दे इसे। बुधु अगर भागने की कोशिश करे तो गोली मार देना। मार दू? हट, लपेटे में आ जाएगा नहीं तो।
मेरी मीठी इंतजार कर रही होगी। मैं नहीं भोजन खायो। बापू मुझे बहुत भूख लगी है, मैं भोजन करके आऊं? हाँ तो जाना। मेरे लिए कुछ रखा है कि नहीं बापू? हाँ पड़ोसी का जूता उबाल के रखा है, वो खाई ले। तुमने भी तो खाया होगा। नहीं आज हमारा उपवास है, चले जा तुम लोग भी जाओ, हम संभालेंगे, जाओ जाओ, बहुत रात हो गई है। हाँ जरा सिगरेट का दौर जरा हो जाए। राम झूठ न बुलवाए, तोरी जो ये दशा है ना, एक जिम्मेदार तुम खुद ही हो। इतना माल लूटा और अकेले ही सब हड़प कर गए, किसी को कुछ नहीं दिया, हमका भी नहीं दिया, हम तो तुम्हारे पुराने वफादार हैं। अथू अगर मैं तुझे अपनी आधी दौलत दे दूं तो तू मुझे भाग जाने देगा? अगर जिंदा भाग जाएगा ना तो किसना हमको जिंदा गाड़ देगा। हाँ सुन, क्या है? तू भी मेरे साथ चल। कहाँ? शहर, दोनों मिलके ऐश करेंगे। हाँ? मतलब भाग चले? हाँ। मगर एक शर्त पर, लूटा वो आधा खजाना हमरा। अरे हाँ। पक्का? हाँ। अरे तो पहले कहीं नहीं बोला, मगर वो खजाना है कहाँ? जल्दी कर। नथु, नथु, अरे क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे? अरे ये छोटे सरदार हमका शहर लेके जाएंगे, बाद में तेरे को भी लेके। अरे नमक हराम गद्दार तू है तुझ पर, जिस गांव की मिट्टी में जन्म लिया उसी से गद्दारी करत है। हम अब कृष्णा को बुलाते ठहर। बुलाओ, क्या किया तू? अगर इसको कुछ हो गया ना। चुप, ये मरी नहीं है साले, मगर तू इसके लिए मर चुका है। ये गांव वाले सब तुझे गद्दार समझेंगे, अगर तू कृष्णा के हाथों लग गया वो तो तुझे जान से ही मार देगा। चला राम मेरे साथ, जल्दी कर। तू ठीक कहता है, अब तो तेरे साथ आना ही पड़ेगा। इतना याद रखो कि अगर कृष्णा की वजह से हमारी फसलों को आग लगी तो तुम्हारी चिता को आग भी नसीब नहीं होगी, समझे? गलती हो गई, कमिश्नर को गोली मारने की बजाय साले कृष्ण को ही खत्म कर देना चाहिए था। और तू किस किस्म का सरदार है? तू एक आदमी को खत्म नहीं कर पाया। तुमने भी तो पुलिस की वर्दी पहनकर गांव पे हमला किया था, तो तुमने कृष्णा को क्यों नहीं मारा? तेरा असली राक्षस तो ये लोग हैं। आर्य साहब मेरा ख्याल है हमें आज ही हमला कर देना चाहिए। हाँ, सारे आदमियों से कह दो कि पुलिस की वर्दियां पहन लें, इस मर्तबा उस गांव का एक भी आदमी नहीं बच पाएगा। और इन लोग को छोड़ के सर, ये दिल का खेती में मोहब्बत का हल चलाने को कोई तो भी होना ना। अरे तो फसल कौन उगाएगा? राम फसल को हिलो मत। नथू, हाँ नथू, उस तरह से बहुत हजामत बनाया है, आज ही बंदूक से बनाएगा। टंगड़िया नहीं, लाभ सीधा खड़ा रहो, मार दो साले को। अयो माँ, ये मार डालेगा जी। ससुर के नाते पहले ही बोला रहा कि टंगड़िया नहीं हिलाओ, अब इन सिखाते हैं तो का सबक। सीधा खड़े रहो नहीं तो घुटना फोड़ के भेजा निकाल देंगे। तू मेरा साथी होके मुझसे गद्दारी कर रहा है? हरामखोर गद्दार हम नहीं तू है, जो अपने लोगों के साथ गद्दारी किया, इस कुत्ते का साथ दिया जो पूरे गांव को बर्बाद किया, मासूम बच्चों की जान लिया। और तू क्या समझता है तू यहाँ से बच के जाएगा? धमकी बाद में देना कानिए, चल आगे, चल आगे। तू पागल मत बन, मुंह बंद कर नहीं तो मुंह में गोली मार देंगे, चल बे, चल आगे। अबे तू क्या समझता है कृष्णा तेरा दोस्त है? अरे कृष्णा कैसा भी हो तुम हरामखोर से अच्छा है। चल अब, आज हम तुम सबको गांव लेके जाएंगे, तुम लोगों की सूरत दिखाएंगे और कृष्णा के नाम पे लगा हुआ दाग धोएंगे। वही खराब बना गोली मार के वो अंजाम कर देंगे जैसे तुम गांव वालों का किया है। हिला नहीं, हिला नहीं। कृष्णा भैया, कोई आ रहा है? नथू,
एहसान किया था जिंदा पर, गोली मिली बदले में। एहसान नहीं, हम इस गांव की धरती का कर्जा उतारने गए थे सरदार, कर्जा उतारने गए थे। और वो गद्दार फुलाची न तू मर गया सरदार, उसकी जगह ही न तू जन्म लिया है जो अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहता है और ये मालूम करना चाहता है कि वो कौन लोग हैं जो इस काम के हत्यारे हैं, जिनको किसना ढूंढ रहा है। धारिया, पुलिस के भेष में धारिया और उसके आदमी गांव में आए थे, कमिश्नर साहब का खून वही लोग किए हैं। किसना बेकसूर है सरदार, इसका कोई कसूर नहीं। किसना, वो लोग आए रहे, हम पुलिस को खबर तो कर दिए दोस्त, पर अब जाने पहले कौन आएगा, धारिया, पुलिस या हमारी मौत। देखा गुलाबू, हम गद्दार नहीं है पर तोरे कर्जदार हैं। ये जन्म तो हम तो सुनाई मिल सके, राम झूठ न बुलाए अगले जन्म में, अरे अगले जन्म में तो धारिया, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रुक जा बेटे, रुक जा। मेरी आंखों पर नफरत का पर्दा पड़ा हुआ था, मैं तुझे पहचान नहीं सका। धारिया तेरा ही नहीं, हम सबका, सारे गांव का मुजरिम है। उससे मेरे बच्चे के खून की एक एक बूंद का हिसाब लेना कृष्णा, एक एक बूंद का। चलो कृष्णा भैया, हमें ले चलो उस राक्षस के पास, हम सब तुम्हारे साथ हैं। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं। कृष्णा, हमारे गोदाम में लाखों की अफीम भरी पड़ी है और थारिया उसे लेने जरूर आएगा और इसी अफीम में उसकी चिता जलेगी।